हेलो नमस्कार, मैं मुन्नी कुमारी आपका मुन्नी कुमारी चैनल पे स्वागत करती हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में ही एक बेल होगा घंटी, जिसे आप बजा दीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले से तो आप सिर्फ घंटी बजा दें ताकि आपको नया नया जानकारी मुझसे आपको मिल सके पौधे के बारे में। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कोकोपीट के बारे में। कोकोपीट को तो आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज मैं उन्हीं के बारे में बताने जा रही हूँ कि कोकोपीट होता क्या है और उसे घर में कैसे बनाते हैं। ये है नारियल का ऊपर का भाग, ये नारियल, इसके ऊपर जो कवर होता है वो भाग है ये, और इसी से हम कोकोपीट तैयार करते हैं। तो अगर आप नारियल लेकर के आते हैं घर पे और आपके पास उसका छिलका के साथ लेके आते हैं तो छिलका निकाल के रख लीजिए। ऐसे तो इसका छिलका निकालना बहुत प्रॉब्लम होता है, निकालने में बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल से निकलता है। तो आप ऐसा कीजिए कि जहाँ ये नारियल बिकता है तो वो लोग क्या करते हैं कि निकाल के इसको बेचते हैं। तो आप जो छिलका वो लोग निकालते हैं उस छिलके को आप उनसे ले सकते हैं, तो उनसे ले लीजिए या आप खुद कर सकते हैं तो छिलका को खुद घर में ला के निकाल लीजिए। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, आसान तो यही होगा कि आप उनसे ले लीजिए। तो उनसे आप ले कर के और उसे लाएंगे तो उन छिलकों को अलग अलग कर लीजिए दोनों हाथों की सहायता से। इसको ऐसे ऐसे बीच से ऐसे ऐसे रेशा को अलग अलग कर दीजिए। जैसे इस तरह से हो जाएगा, अलग करने के बाद ऐसे हो जाएगा। तो ये जब अलग आप करेंगे उसके बाद नीचे इसका जितना भी बुरादा होगा वो नीचे निकलता चला जाएगा इस तरह से। और यही हमारा कोकोपीट है, इसी को कोकोपीट कहते हैं। अगर मार्केट से कोकोपीट लेते हैं तो वो जमा हुआ आता है, उसको जमाया गया रहता है, बहुत मतलब हार्ड वो होता है। और जब उसको आप बनाएंगे तब जाके बनने के बाद फिर ऐसा होता है। तो इसलिए मैं सोची कि क्यों ना घर में तैयार किया जाए और आप लोग को बताया जाए ताकि आसानी से आप घर में ही बना सकें और इसका यूज कर सकें। तो इनका यूज पौधे लगाने के लिए हम लोग करते हैं ताकि पौधा अच्छे से और जल्दी ग्रो करे। और एक तो ये बात हो गया और दूसरी अहम बात ये है कि इनमें पानी बहुत कम लगता है, कम पानी में हम लोग पौधे लगा सकते हैं, तो इसलिए इनका प्रयोग आजकल ज़्यादा हो रहा है जिससे कि पानी की खपत कम हो। तो आप इस तरह से तैयार करके और जब मैं यूज करूँगी, जब मैं पौधा लगाऊँगी और इसको कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको उस समय बताऊँगी। और ये जो बच जाता है इसे भी आप फेंकेंगे नहीं, इसे आप रखिएगा क्योंकि ये भी हम उपयोग में लाते हैं। इसको कैसे उपयोग में लाना है ये आपको मैं जब पौधा लगाऊँगी तो आपको मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। तो अब तक का साथ यहीं तक है, फिर मिलते हैं अगली बार कुछ नए जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमेशा अच्छे से रहिए, खुशहाल रहिए और नए नए पौधे लगाइए और अपने आसपास हरियाली बनाए रखिए, नए नए फूल लगाइए और खुशबू लेते रहिए जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपकी आँखें अच्छी हों, आपका शरीर अच्छा हो, आपका मन अच्छा हो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।